हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे फ़ोन जिनमें आप बहुत ही अच्छी टिकटॉक वीडियो शूट कर सकते हो अंडर 10,000 रुपीज़ में। हाय गाइस, मेरा नाम है दिलीप विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार चलो शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉप ऐसे फ़ोन जिनमें आप बहुत ही अच्छी मक्खन मार के आप टिकटॉक वीडियो शूट कर सकते हो अंडर 10,000 रुपीज़ में। ना कोई आपको हैवी फ्लेक्सी फ़ोन की ज़रूरत होने वाली और ना ही कोई एप्पल की आपको फ़ोन की ज़रूरत होने वाली है। आपको अंडर 10,000 रुपीज़ में जिस फ़ोन में काफ़ी अच्छी कैमरा और साथ साथ में काफ़ी अच्छी प्रोसेसर भी है जो हेल्प करती है आपकी वीडियो और भी अच्छी बनाने के लिए। तो यार चलो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं 5 ऐसे कमाल के फ़ोन जो आपके लिए मस्ट है अंडर 10,000 रुपीज़ में। तो चलो यार वीडियो शुरू। बात करते सबसे पहले फोन में, तो यहां से मेरी तरफ जो पहला फोन से वो है Realme का 5S। अब गाइस Realme के 5S में आपको चार कैमरा देखने को मिलता है जिनमें से आपको सबसे पहला प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल के और साथ साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर का आपको कैमरा देखने को मिलता है। साथ साथ में जो दूसरा कैमरा है वो है माइक्रो और साथ एक और दूसरा कैमरा जो डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो ओवरऑल अगर आप 10,000 के अंदर आपको कोई भी फोन लेना है तो यहाँ पर आपको जो ये फोन से वो काफी बेस्ट है यार। और यहाँ पर अगर और भी हम बात करें इसे फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल की आपको कैमरा भी देखने को मिलता है। अगर गाइस अगर Realme 5S में प्रमोशन का ऑप्शन सोच रहे होगा या नहीं होगा तो इसमें जरूर है, आप परेशान ना हो। एंड यहाँ पर अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 665 है, तो यहाँ पर काफी अच्छी अंडर 10,000 को 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब गाइस नेक्स्ट फोन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरी तरफ से है Redmi का Note 8। अब गाइस Redmi के Note 8 में भी आपको काफी अच्छी कैमरा देखने को मिलता है जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का भी कैमरा देखने को मिलता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के बारे में तो यहां पर भी आपको 660 ही देखने को मिलती है। वहीं पर अगर इसकी गाइस फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहां पर 13 मेगापिक्सल का भी आपको काफी अच्छी कैमरा देखने को मिल जाती है। एंड अब हम बात करते हैं गाइस तीसरे फोन के बारे में। अब गाइस जो तीसरा फोन है वो है Redmi का Y3। अब गाइस Redmi के Y3 में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है। अब गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो कैमरा लेते हैं वो फ्रंट कैमरा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलोन में ही वीडियो शूट करना पड़ता है, हम बाहर ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं अगर हम न्यू हैं। इसके बाद अगर जैसे पुराने प्रोफेशनल वीडियो मेकर बन जाते हैं टिकटॉक के लिए तो हम बाहर जाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बाहर जाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए अगर आप फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको Redmi Y3 भी बेस्ट पड़ेगा। यहाँ आपको 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ में यहाँ आपको डुअल प्राइमरी कैमरा भी देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 632 देखने को मिलता है, डिस्प्ले जो है वो HD+ है। तो यहाँ पर अगर आप अंडर 10,000 में ये फोन लेना चाहते हैं तो ये भी फोन यार बेस्ट है। अब गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं Realme के 3 Pro के बारे में। गाइस Realme का 3 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलता है अंडर 10,000 रुपीज में। अब गाइस आप सोच रहे हो यार मतलब ये जो फोन आया तो ये 15,000 के आसपास था, अभी ये 10,000 के अंदर मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि यार 2019 में आया था ये फोन, अभी 2020 चल रही है, काफी फोन्स आ चुके हैं जिसके कारण इसकी जो प्राइस है वो गिर चुकी है। अब यहाँ पर ये जो फोन है अंडर 10,000 रुपीज में अवेलेबल है, आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट या फिर आप अमेजोन पर जाकर सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही साथ में यहाँ पर 16+5 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है जो सोनी IMX9 के साथ जो लेंस है वो में आता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सेल्फी कैमरा, गाइस यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा आपको 25 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है Realme 3 Pro में। अब गाइस Realme 3 Pro में 25 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है अंडर 10,000 रुपीज में, तो ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। एंड लास्ट गाइस जो पांचवें नंबर पर मैं फोन बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ Realme का U1। अब गाइस Realme के U1 में भी आपको काफी अच्छी सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि 25 मेगापिक्सल का है और साथ ही साथ में आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो 13+5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और यहाँ पर गाइस इसकी जो प्रोसेसर की बात करूँ तो Helio P20 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। अब गाइस यहाँ पर बात करता हूँ अपनी ओपिनियन के बारे में। अगर गाइस मुझे इस टॉप 5 फोन में से कोई भी फोन लेना चाहिए वो है Realme का 5S, क्योंकि आप मुझे काफी अच्छी प्रोसेसर देखने को मिलती है, काफी अच्छी कैमरा देखने को मिलती है फोन में और साथ ही साथ में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। और गाइस अगर मुझे ऑप्शन के बाद एक और भी ऑप्शन दूँ तो यहाँ मैं Realme का 3 Pro भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे काफी अच्छी प्रोसेसर देखने को मिलती है, काफी अच्छी स्लो मोशन के भी ऑप्शन इसमें है। और यहाँ पर बात करूँ इसके कैमरा पॉइंट में, ऑब्वियसली कैमरा भी काफी Realme के 3 Pro में, तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यार काफी अच्छी फोन है। अगर आप इन 5 में से कोई फोन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कौन सा फोन चूज कर चुके हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना। तो इन सभी जो फोन्स लेना चाहते हैं अंडर 10,000 रुपीज़ में और भी ऐसे वीडियोस आती रहती हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो मुझे काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।